मंदिर के पास में खड़ा हुआ था और उसने रुकड़ी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठा के ले गो मैया काले भी चुपेरा चुपेरा वे समझ गई कि भगवान कन्हैया के अलावा कौन हो सकता है। तब तक रुकम आ जाता है, कहने लगी क्या कर रही हो, कहलेगा रुकड़ी को, चल जाएंगी भैया एक बहुत कारो सो मंदिर पर खड़ो और दीदी ने कहा कि हमें बसुरिया दिखाई दो। और जैसे ही दीदी ने हाथ किया उसका हाथ पकड़ के रथ में बिठाए के ले गए। आज रुकम समझ गया कि वही कन्हैया होगा। उसी समय सारी सेना को साथ में लेकर के और भगवान कन्हैया के पीछे पड़ जाता है, कहने लगा है कर, कहने लगा है कन्हैया भाई खड़ा हो जा, पहले उससे युद्ध कर उसके बाद में मेरी बहन को लेकर के जाना। तुम्हें बना जाता आज भगवान कन्हैया रथ को रोक लेते हैं। रुक्मणी कहने लगी रथ को मत रोका, तुम रथ बढ़ाओ आगे, तुम्हें नहीं पता है मेरे भैया में कितना बल है। भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मणी कुछ हो जाए मैं तुम्हारे भाई से युद्ध करके ही तुम्हें लेकर के जाऊंगा।